हेलो दोस्तों, चेहरे को ब्राइट दिखाने के चक्कर में या फिर चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने के चक्कर में हम में से कई लोग भर भर के मेकअप करते हैं। मेकअप लगा के हम कुछ समय के लिए तो अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपका चेहरा बेहद गोरा हो, सुंदर हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको घरेलू नुस्खे का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा, लेकिन दोस्तों आपको इसको एक ट्रिक के साथ, एक टेक्निक है उसके साथ आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उस टेक्निक के साथ इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपका चेहरा जो है, यकीन मानिए, आपके चेहरे को ये बेहद ब्राइट बनाएगा, आपके चेहरे को गोरा और बेदाग करेगा। बहुत सिंपल इसे बनाना दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक पैटेटो यानी कि एक आलू लेना है, और छिलके के साथ आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। छिलके को अलग नहीं करना है, क्योंकि छिलके में भी ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को गोरा और ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे लेनी है दोस्तों, वो है कुकुम्बर यानी कि खीरा। अगर आपका चेहरा जो है वो सूरज यानी कि सन टैन के कारण या फिर पॉल्यूशन के कारण या फिर किसी भी कारण से अगर आपका चेहरा जो है वो डार्क हो गया है, काला हो गया है, दाग धब्बे हैं, तो जो खीरा होता है दोस्तों ये आपके चेहरे को ब्राइटन करने का काम करता है, कालेपन को ये छाटता है, साथ में आपके चेहरे को गोरा करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इन दोनों को अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है पीस के, और इसके जूस को आपको छन्नी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से अलग कर लेना है। दोस्तों चेहरे को ब्राइट दिखाने के चक्कर में, चेहरे को गोरा करने के चक्कर में आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं ये अपने स्किन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। या तो वो महंगे महंगे कॉस्मेटिक क्रीम चेहरे पे लगाते हैं केमिकल से भरे हुए, या फिर वो पार्लर ट्रीटमेंट कराते हैं। ये दोनों जो तरीका है दोस्तों ये टेम्प्रोरी है, इसमें हमारे पैसे भी काफ़ी बर्बाद होते हैं, साथ में हमारा चेहरा भी ख़राब होता है। जो पार्लर ट्रीटमेंट दोस्तों वो तो बस टेम्प्रोरी होता है, कुछ दिन आपका चेहरे पर निखार नज़र आता है, उसके बाद जो निखार है वो सब गायब हो जाता है पैसे की तरह। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, आपको टेक्निक के साथ इसको इस्तेमाल करना है। जैसे जूस निकल जाए आपको क्या करना है, कॉटन लेना है, और रात में सोने से पहले आपको अपने चेहरे पे कॉटन से इस तरह से नीचे से ऊपर आपको पोंछते हुए अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको नीचे से ऊपर इसको पोंछते हुए अप्लाई करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके स्किन की सारी गंदगी जो है बाहर आती है, आपके स्किन को ये टोन करता है, आपके स्किन को ये ब्राइटन करता है। आप जैसे देख पा रहे होंगे कॉटन के अंदर कितनी सारी गंदगी जो मेरे हाथ में थी वो बाहर आ गई है। बहुत इफ़ेक्टिव आपके स्किन को क्लियर करने के लिए, आपके स्किन को फेशियल इफ़ेक्ट डालने के लिए, आपके स्किन को निखारने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको 5 मिनट के लिए अपने चेहरे को पोंछना है इससे, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।